सलमान खान आखिरकार खुलकर आए सामने। ऋषि कपूर पर किया हमला तेज। सलमान खान ने कहा कि इंडस्ट्री में उनका दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन वे कुछ लोगों को पसंद नहीं करते और इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान खान ने एक एंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, अगर कोई लगातार मेरी और मेरे परिवार वालों की बेइज्जती करेगा तो मैं उसे कभी सम्मान नहीं दूंगा। कुछ एक दो परिवार हैं जिनके लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं है। अगर कोई लगातार मेरी या मेरे परिवार वालों की बेइज्जती करेगा तो मैं उसे कभी सम्मान नहीं दूंगा। कुछ एक दो परिवार हैं जिनके लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं है। कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनका मेरे घर में स्वागत कभी नहीं होगा। इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा, वे ऐसे इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो उनकी और उनके परिवार वालों की इज्जत नहीं करता। बॉलीवुड में ऐसे एक या दो परिवार ही हैं जो उनकी फैमिली को सम्मान नहीं देते। जी हाँ, और सलमान की माने तो उनके घर में ऐसे लोगों की एंट्री कभी नहीं हो सकती। साथ ही सलमान ने कहा कि मैं ऐसे लोगों की इज्जत क्यों करूं? इसलिए क्योंकि वो मुझसे उम्र में सिर्फ बड़े हैं, इसलिए क्योंकि वो मुझसे पहले जन्मा है। हालांकि सलमान खान ने ऋषि कपूर का नाम नहीं लिया, लेकिन यह माना जा रहा है कि अपने दुश्मनों के बहाने उन्होंने ऋषि कपूर पर ही निशाना साधा है। पिछले कुछ समय से ऋषि कपूर और सलमान खान के बीच उपजे विवाद की खबरें मीडिया में लगातार आ रही हैं। और अभी हाल ही में रेस 3 के एक इवेंट के दौरान जब सलमान खान से पूछा गया कि अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और ऋषि कपूर ये तीनों 50 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कमाल की एक्टिंग करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तब सलमान खान ने अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन के बारे में तो अच्छे से बात की, लेकिन ऋषि कपूर के बारे में पूछने पर बोले, कौन ये कौन? वहीं आपको बता दें कि सोनम कपूर के वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में ऋषि कपूर ने जब से सोहेल खान की वाइफ पर सलमान खान के बिहेवियर को लेकर गुस्सा हुए थे, तभी से इन दोनों के बीच और खटास बढ़ने लगी। हालांकि इसके बाद नीतू कपूर द्वारा सलमान खान से माफी मांगने की भी खबरें आईं, लेकिन ऐसा लगता है मानो भाईजान का गुस्सा अभी बिल्कुल ही शांत नहीं हुआ है। प्लीज गिव योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।